इसे चेंज पाला आशना गेट रेडी फॉर नेशनल एंथम स्टार्ट गुरानाम पब्लिक काम टीचर नाम स्टूडेंट नाम सुलु आलो समुन सो सोलाय सुलु लोपंग सोल ने दो बे दो भलाय कुलांग लाय कोन को किलो काम को तो दिल्ली बोलो दो ना में मु पुयां बा तंग सो दिल्ली बोलो के मुदो चार्ज पापो जाना में मु सि जे सब पाप है नो प्ले गोस भया तो मैं तो लांगो सुलु सि प्ले गोस मैं पाला आज यहाँ में 77 का जो इंडिपेंडेंस डे माना गया है मैं चीफ गेस्ट के रूप में आया तो आज का दिन अमृत महोत्सव का दिन है। मिट्टी को नमन करना वीरों को बंधन देना वो सब का सारा इंडिया का जो है मुद्दा है और नरेंद्र का गवर्नमेंट का अंदर में मुद्दा है तो उसको हम लोग आज ले पूरे में पूरा आके मनाया। अम्मा बाबा को वही मैसेज देना चाहता हूँ कि आज जो 77 इंडिपेंडेंस डे में सारा सर्कल का बाहर में जितना हम लोग यहाँ का जितना इंटेलेक्चुअल लोग है नीचे में दोईमुख में नाहरलगन ईटानगर के इवन कैपिटल रीजन में जितना है वो आज यहाँ में पार्टिसिपेट किया है मैंने बहुत दिल में खुश लगा। तो एक पॉइंट है अभी आपने पूछा मैंने ये नहीं बोला है तो जल जीवन का मिशन में भी मैंने ये मेमन से कहा था सरकार अभी बिल पास हुआ है हम लोग एक पंचायत का लीडर का नाते एज ए GPC का नाते आज मैंने पब्लिक स्पीच में भी उन लोग को जो बताया है पब्लिक को गवर्नमेंट कैचमेंट एरिया को कैसे प्रिजर्व करना है कैचमेंट एरिया को कैसे जो कल्टीवेशन नहीं करना चाहिए वो बात को भी मैंने आज स्पीच में दिया गया है। तो जल जीवन में हर घर में नल जो अभी फिलहाल मेरा PHE डिपार्टमेंट को हम थैंक्स देना चाहता हूँ 90% तो ले प्रियंग सर्कल में हर घर में जो नल दे चुका है उसको तो ये है वही है कि आज मैं स्पीच में कहा था कि जो मेंटेनेंस अभी सरकार ने पंचायत का लीडर का ऊपर में दिया है ये सब पंचायती लीडर है जितना भी हरा है ये GPC लोग है GPM लोग है तो इन लोग का ऊपर में भी कुछ सरकार का तौर से उन लोग नेतृत्व में ऐसे गाइडेंस करना है बोलकर तो वो हम लोग गाइडलाइन मिल चुका है उसको हम कल को आने वाला कल को PHE डिपार्टमेंट हमारा ले पुरंग में जितना 6 पंचायत का जो हम लोग पंचायती लीडर लोग हम लोग मिलकर चल के अगर कहाँ में कोई हम लोग यहाँ में पेड़ पौधा तो है ही तो उसमें कोई स्लाइड हो जाएगा और कोई पाइपलाइन टूट जाएगा वो सबको हम दो एजेंसी ने मिलकर अगर काम करेगा तो पानी का व्यवस्था तो हम लोग यहाँ में आज तक तारीख तक तो कमी नहीं है। मंच पे कहा है कि जो लाइन डिपार्टमेंट को ओल्ड HODs को रिक्वेस्ट करता हूँ हम देखने में आया है क्योंकि आज भी मुश्किल में से करेंट जो लाइट जो पावर डिपार्टमेंट को वही रिक्वेस्ट है कि यहाँ में ले पुरंग में ऐसे है कि आप कभी कभार सप्ताह भर तक हम लोग को करेंट नहीं मिल जाता है तो कभी ऊपर लेवल से कोई ऑर्डर भी दे देता है हम लोग का CO ऑफिस ये एक हेडक्वार्टर है सर्कल ऑफिस है हेडक्वार्टर है तो उसमें हम लोग का CO का भी बहुत तकलीफ़ है CO ऑफिस में
करेंट नहीं होता है, कोई भी ऊपर से इमरजेंसी प्रोग्राम दे देता है। आजकल का ज़माना में तो आप देखिए ऑफिस से तो बिना साइन करके तो व्हाट्सएप में डायरेक्ट सीधा ऊपर से भेजने वाला को तो यहाँ में भेज नहीं पाएगा। यहाँ भी कंट्रोल उन लोगों को दिया गया है, यहाँ से भी तो कागज़ बनना पड़ता है। तो उसका चलते बहुत दिनों से हम देख रहा है, मैं उसको जो पावर डिपार्टमेंट को थोड़ा आप लोग HOD लोग थोड़ा संज्ञान में लेने से टिकी रहेगा। ये लेपुरंग जो इंटर सर्कल में सब रास्ता में जो हाईवे का नज़दीक में है तो हम लोग का कारण का मोस्टली प्रॉब्लम हो जाता है, यही है। इसलिए मैंने आज मंच पे उन लोग को थोड़ा रिक्वेस्ट, मेरा ये एक मैसेज रहेगा, इस बार 77 इंडिपेंडेंस डे है तो इसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक कंक्लूजन हो रहा है। तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि इस बार हम समर्पित है जो फ्रीडम फाइटर्स है और जो आर्मी है, जो फौजी है, जो पुलिस है, जो लाइन ऑफ ड्यूटी में जो शहीद हुआ है, तो उसी को याद करते हुए हमारा जितना लेपोरंग का जो भी पब्लिक है, जो आमजन है, जो युवा है, वो भी अपना आप में ये देश सेवा एक अपना अंदर से निकलना चाहिए उनको। और उसी के तर्ज पे आप जो भी काम करें, जैसे मैंने आज सुबह मेरे गंभोरा से कहा, गंभोरा आप अपना बस्ती में अपना काम अच्छा करें, वो भी एक देश को सेवा है। पंचायत लीडर आप अपना काम अच्छा से करें अपना पंचायत सेगमेंट में, वो भी एक देश सेवा है। और मैं एज ए CEO अपना काम अच्छा से करें, अपना ड्यूटी अच्छा से करें, वो भी एक देश सेवा है। तो देश को सेवा करने का अपना अलग अलग तरीका है। तो यही आज हम पूरा मैसेज दिया है और आपका ये चैनल का माध्यम से यही हम बोलना चाहता है कि आप देश को सेवा करने के लिए आपको बहुत तरीका है और इसी चीज़ को आप अपना जो भी करें सही ढंग से करें तो वो भी एक देश को सेवा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जैसे पंचायत लीडर ने कहा, जब भी कुछ भी होता है ऑफिस से या प्रिंटिंग होना पड़ता है जो लाइट नहीं रहता है, तो ठीक है सगाली पके में लाइट का इशू है, लेकिन चीज़ क्या है कि जब सगाली में लाइट आता है, जब दोलों में आता है, पर्टिकुलर हमारे जब हेडक्वार्टर में जब लाइट नहीं आता है तो इशू तब बन जाता है। इस बार भी बहुत दिक्कत हुआ, कुछ कुछ कागज़ प्रिंट आउट जेरोक्स करने के लिए हमको सागली भेजना पड़ा स्टाफ को। तो इसलिए कंसर्न जय को मैंने बात किया था, तो वो भी जब हम उससे बात करते वो एक्शन लेता है। तो मेरा जो एक अनुमान है, जो एनालाइज है कि यहाँ का जो स्टाफ है, लोकल स्टाफ है, वो कहीं ना कहीं अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहा है। तो एक मैसेज देना चाहूँगा, जो भी यहाँ का इलेक्ट्रिकल स्टाफ है, अपना काम थोड़ा सही से करना सकती है ताकि सबको कन्वीनियंट हो, स्पेशली जो ऑफिस में जो कुछ भी कागज़ काम करता है, ऑफिस का जो ऑफिशियल जो पेपर वर्क करना होता है उसके लिए कन्वीनियंट हो। तो मैं ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ये पर्टिकुलरली पावर डिपार्टमेंट को।